देखिए सर, ऐसा है कि मान्यता तो काफ़ी दिनों से चली आ रही है और जैसे कि बरसों पुरानी है, हम भी छोटे से बड़े हो गए देखते देखते। तो ये एकादशी के दिन से, ग्यारस के दिन से एक मंदिर है गांव का, माँ भवानी का, वहाँ पे पूजा अर्चना करके ने 5 दिन तक वहीं रहते हैं और रहने के बाद में जो है फिर वो गांव का भ्रमण करके और आज पड़वे के दिन गौरी पूजन का कार्य पूर्ण होता है। हमारी मनोकामना पूरी होती है और हजारों गाय ऊपर से निकलती फिर भी यहाँ स्वस्थ खड़े रहते हैं और बस मनोकामना पूरी होती है। और कितने साल से पढ़ रहे आप? मैं तो आज पहली बार है। आप कितने साल तक गोरी पढ़ेंगे? 5 साल। क्यों आपने क्यों पढ़ते हैं गोरी? मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं और दीपावली के 5 दिन पहले से ये चालू हो जाती है, 11 के दिन से। और जो गौरी पढ़ते हैं ना, वो 11 से उपवास रखते हैं और अमावस तक रखते हैं और जो गोया है उसकी पूजन करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं और दीपावली के दिन ये गौरी पढ़ती है। इससे सभी मन्नतें पूरी होती है। ये अपने अपने इच्छा के से, जैसे कि कोई अपने मान के हिसाब से रहते हैं, मन्नत रखते हैं लोग कि मेरा अगर ये कार्य पूर्ण हो गया या मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई तो इसी प्रकार से सबकी अपने अपने एक इच्छा रहती है, हाँ मंशा रहती है। उसके हिसाब से ये गाय के पैरों के नीचे ज़मीन पर लेट जाते हैं। लेटने के बाद सैकड़ों गाय, जो संख्या काफ़ी रहती है गायों की, ये सारी गायें इनके ऊपर से गुजरती है और किसी प्रकार की आज दिन तक इनको कभी आने कोई जन। हाँ, परंपरा तो सर काफ़ी पुरानी है। हाँ, उनको बहुत उत्साह होता है ऐसा करने से। 5 दिन से बहुत मतलब उत्साह रहता है उनको और जैसे गाय निकलती है और खड़े होकर नाचने लग जाते हैं और एकदम बहुत उनको खुश होते हैं वो।